शक्ति बदलना सरकार साथियों नमस्कार। राजस्थान सरकार जो 50% का महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो बिल लेकर आई थी, आज उस बिल को पुनः वापस कराने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी युवाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे राजस्थान के युवाओं को जिन्होंने मेरी गिरफ्तारी के ऊपर 1,20,000 से ऊपर ट्वीट किए और पूरे ऑल इंडिया में पूरे दिन तक ट्रेंड करता रहा। साथियों आप जानते हो भजनलाल सरकार बिना सोचे समझे इस बिल को लेके आई है और उसको लेकर आज बड़ी मजबूती से हमने ये पूरी लड़ाई लड़ी और भजनलाल सरकार तक बहुत बड़े लेवल में मैसेज गया है। पूरी राजस्थान की मीडिया ने पूरा कवर किया है और हर व्यक्ति तक ये मुद्दा पहुंचा है, मैसेज पहुंचा है कि आज जयपुर की धरती पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ है। साथियों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान पुलिस, ये राजस्थान सरकार आज परमिशन होने के बावजूद भी इन्होंने जिस प्रकार से हमारे साथ में गलत किया, जिस प्रकार से मुझे गिरफ्तार किया, क्या आज के दिन भजनलाल जी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है हमारा? भजनलाल जी मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इस प्रकार से बेरोजगार युवाओं की आवाज दबा नहीं सकते। एक तो आप गलत कार्य कर रहे हो, गलत कार्य करने के बावजूद भी आप युवाओं को दबाने का कार्य कर रहे हो। आज हजारों युवा शहीद स्मारक पहुंचे और आपकी पुलिस ने जिस प्रकार से हल्का बल प्रयोग करते हुए युवाओं को वहां से खदेड़ा, युवाओं को वहां से भगाया, 6-6 घंटे मेरे को मुहाना मंडी में आपने बंद करके रखा, ये कौन से कानून के तहत है, कौन से नियमों के तहत है, आप मेरे को बताने का कष्ट करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपकी ये तानाशाही चलने वाली नहीं है। जब तक अगर आप इस बिल को वापस नहीं लोगे तो राजस्थान के युवा लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और मैं राजस्थान के युवा से कहना चाहता हूँ साथियों, आपको कमजोर नहीं पड़ना है, आपको निराश नहीं होना है। आज का जो मैसेज है पूरे राजस्थान लेवल में बहुत बड़ा मैसेज है और साथियों बहुत जल्दी 1-2 दिन में दोबारा पूरी रणनीति बनाकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इस बिल को वापस ले, चाहे सरकार कुछ भी बहाने बना ले, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले। अब साथियों हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। परमिशन मिलने के बाद की सरकार इस प्रकार का रवैया कराती है पुलिस से तो बिल्कुल ठीक नहीं है।